देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। अजमेर के ब्यावर कस्बे में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से कोर्ट ने मौलवी को 19 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। मामला 3 महीने पहले ब्यावर के एक मदरसे से जुड़ा हुआ है, जहां हरियाणा के पलवल शहर का रहने वाला मौलवी आलम बच्चों के साथ गलत हरकतें कर के उनका देह शोषण करता था। मौलवी की हरकतों से परेशान बच्चों ने इसकी शिकायत चाइल्डलाइन संस्था को दी, लेकिन मौलवी पर कोई भी कार्रवाई संस्था ने नहीं की। मगर मीडिया में मुद्दा उठने के बाद पुलिस ने गत 10 जनवरी को मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। है मेवाड़ी गेट पे इनको अरेस्ट किया, ये मौलवी है वहाँ पे। वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि मौलवी है उनके साथ अनैतिक काम करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिस पे FIR दर्ज करके अनुसंधान किया गया, उनको पॉक्सो में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। जिनको